I welcome you all in first year ICS Computer Studies, Lecture 2, Part 2, Chapter Number 1, Basics of Information Technology. In the previous lecture, we have studied what is input, what are the methods of entering input into the computer. Input devices and input devices are keyboard, pointing devices, source data entry devices. कीबोर्ड को हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज का टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइसेस. फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंटर. ये वाइट कलर का एक सिंबल आपको स्क्रीन पे ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, मूव करता हुआ. इस सिंबल को ही पॉइंटर या फिर कर्सर कहते हैं. नाउ पॉइंटिंग डिवाइसेस, एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. वो इनपुट डिवाइस जो कि पॉइंटर को कंट्रोल करता है, पॉइंटर की पोजीशन को, पॉइंटर की मूवमेंट को, कर्सर को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस. अ पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. पॉइंटर स्मॉल सिंबल है पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अपेयर होता है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स के विंडोज़ को, आइकन्स को यूज़ करते हुए जब आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिफरेंट बटन्स हैं, इनके ऊपर क्लिक करके इंटरेक्ट किया जा सकता है. अ पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट. पॉइंटिंग डिवाइस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के काम आती है. ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज बटन्स, आइकन्स एंड मैनुअल कमांड्स. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेज आर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेज ये हैं, माउस, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटाइजर, ग्राफिक टैबलेट, जॉय स्टिक, पेन बेस्ड सिस्टम. वो डिवाइसेज हैं जो कि इस सिंबल को, इस कर्सर को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करने के काम आते हैं. माउस. माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट इनपुट डिवाइस. इट इज़ यूज्ड टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस विद अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. माउस बहुत ही वाइडली यूज होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है. पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स के जो पॉइंटर को कंट्रोल करता है. इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट, ये स्मॉल और लाइट वेट है, इनपुट डिवाइस है. ये इनपुट करता है इंस्ट्रक्शंस को स्क्रीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. माउस इज मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और द पॉइंटर. पॉइंटर या कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम माउस को फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करते हैं. इट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर बाय अ केबल और वायरलेस कनेक्शन. माउस कंप्यूटर के साथ केबल या फिर वायरलेस कनेक्शन के थ्रू अटैच होता है. माउस इज वेरी इजी टू यूज. इट इज मोस्टली यूज इन ग्राफिक्स एप्लीकेशंस. माउस का यूज ग्राफिक्स एप्लीकेशन में ज्यादातर किया जाता है. अ माउस यूजली हैज टू और थ्री बटन्स. माउस में अमूमन दो या तीन बटन्स होते हैं. दीज बटन्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट और ओपनिंग अ प्रोग्राम. ये बटन डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के काम आ सकते हैं, किसी प्रोग्राम या फाइल को ओपन करने के. इट मे ऑल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील टू स्क्रॉल थ्रू लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स. जैसे कि ये एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, स्क्रॉल व्हील को मैं अगर माउस के ऊपर क्लिक करूँगी, प्रेस करूँगी, तो ये यहाँ से ये जो ये डॉक्यूमेंट है ये मुझे, या फिर यहाँ से मैं ऊपर भी जा सकती हूँ, नीचे भी जा सकती हूँ स्क्रॉल व्हील के थ्रू. द ट्रेडिशनल माउस हैज़ अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम. इसमें एक स्मॉल बॉल होती है बॉटम में. द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉल. जब बॉल की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि कर्सर की मूवमेंट क्या होगी. जिस तरह से आप बॉल को मूव करेंगे इसी तरह से कर्सर स्क्रीन के ऊपर मूव होता जाएगा. द ऑप्टिकल माउस यूजेस लाइट रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ बॉल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर. जो ऑप्टिकल माउस होते हैं वो लाइट रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं बॉल के बदले में, मतलब इंस्टेड ऑफ बॉल लाइट रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं पॉइंटर की या कर्सर की मूवमेंट को स्क्रीन पर कंट्रोल करने के लिए. ये एक डायग्राम है माउस की. ये इसका लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, ये व्हील बटन या फिर इसको स्क्रॉल व्हील भी कह सकते हैं. यहाँ पर स्क्रॉल व्हील या फिर स्क्रॉल बटन हो सकता है. नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल. अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस. ट्रैक बॉल एंड माउस की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, सो ये एज एन अल्टरनेटिव ऑफ माउस यूज हो सकती है. दिस डिवाइस हैज बटन सिमिलर टू दोज ऑन माउस. इसमें भी माउस की तरह ही बटन्स होते हैं. इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप. इसके टॉप पर एक लार्ज रोटेटिंग बॉल है. द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज नॉट मूव्ड. माउस को हम फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करते हैं लेकिन ट्रैक बॉल की बॉडी सरफेस पर मूव नहीं होती.
द बॉल इज रोल्ड विद फिंगर्स, बॉल को आप फिंगर्स से रोल्ड करते हैं. द पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल. जब आप बॉल को रोटेट करते हैं तो स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट कंट्रोल होती है. एन एडवांटेज ऑफ द ट्रैक बॉल इज दैट इट टेक्स लेस स्पेस टू मूव देन माउस. माउस से अगर कंपेयर किया जाए तो ट्रैक बॉल बहुत लेस स्पेस लेती है मूव करने के लिए. ट्रैक बॉल इज ऑफ्टन इंक्लूडेड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स पीसीज वगैरह में होती है. इट कैन ऑल्सो बी यूज एज सेपरेट इनपुट डिवाइस. ये सेपरेट इनपुट डिवाइसेज के तौर पर भी यूज होती है विद स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ. ये है ट्रैक बॉल. नेक्स्ट इज टच पैड. टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस. इट इज अ स्मॉल फ्लैट सर्फेस ओवर विच द यूजर मूव्स हिज फिंगर. ये एक इनपुट डिवाइस है, स्मॉल फ्लैट सर्फेस जिसके ऊपर यूजर अपनी फिंगर को मूव करता है. फॉर एग्जाम्पल अभी किस तरह से एक फिंगर को मूव करते हुए यहाँ पर कर्सर की पोजिशन को कंट्रोल किया जा सकता है. द मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूव्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन. फिंगर की मूवमेंट कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है. इट इज यूज एज एन अल्टरनेट टू अ माउस. ये भी माउस के अल्टरनेट के तौर पर यूज होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैक पैड. इसको ट्रैक पैड भी कहते हैं. अनदर नेम ऑफ टच पैड इज ट्रैक पैड. A touchpad also has one or more buttons near it. These buttons work like a mouse buttons. Touchpads are commonly used with notebook computers. ये touchpad जो होते हैं वो mostly commonly जो है ना notebook computers के साथ use होते हैं. ये examples हैं external wireless touchpad, built-in touchpad on laptop. एक built-in होती है और external touchpad भी आप use कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टच स्क्रीन. टच स्क्रीन से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे. ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन में टच स्क्रीन्स अवेलेबल हैं. हर थर्ड पर्सन के पास स्मार्टफोन्स हैं. सो आप स्मार्टफोन के थ्रू टच स्क्रीन से तो फेमिलियर होंगे ही. अ टच स्क्रीन इज दो सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है. सेंसिटिव मीन्स कि आप इस पर अपनी फिंगर्स को टच कर सकते हैं एंड काम कर सकते हैं. द यूज़र कैन टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन विद द फिंगर और स्टाइलस. स्टाइलस एक पेन होता है जिसके थ्रू मोस्टली मोबाइल फोन्स के साथ स्टाइलस भी दिया जाता है. पेन लाइक डिवाइस है जो कि क्या करती है, इनपुट देने के काम आती है मोबाइल फ़ोन को या फिर कंप्यूटर को टू इनपुट डेटा एंड इशू कमांड्स. अगर आप किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइकन को क्लिक करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, कमांड इशू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टाइलस के या फिर फिंगर का यूज़ करते हैं टच स्क्रीन के ऊपर. Many touch screens today are multi-touch and can recognize input from more than one finger at a time. आप जो भी messages type करते हैं वो mostly two fingers के साथ करते हैं. So touch screens के पास ये ability है कि वो multi-touch को recognize कर सकते हैं. For example, the user can use two fingers to enlarge or rotate an image on the screen. आप एक image को two fingers से zoom करते हैं. So touch screen इसको recognize करते हैं. टच स्क्रीन्स आर कॉमनली यूज इन मोबाइल डिवाइसेज. मोबाइल डिवाइसेज में रिटेल स्टोर, सेल्फ चेकआउट्स एंड ATMs. ATMs में आपने देखा होगा जो है ना टच स्क्रीन्स का यूज़ किया जाता है. सम मॉडल्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स ऑल्सो हैव टच स्क्रीन्स. लैपटॉप में और कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी टच स्क्रीन्स हैं. टच स्क्रीन्स आर पॉपुलर बिकॉज द यूज़र कैन इंट्रैक्ट विद द कंप्यूटर ईजिली विदाउट एन एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस. इसमें किसी एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती. टच स्क्रीन्स बिल्ट इन होते हैं कंप्यूटर में ऑलरेडी, लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स के अंदर. ये एग्जाम्पल्स हैं स्मार्टफोन के अंदर टच स्क्रीन की, लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप में एंड टैबलेट में. नेक्स्ट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस. पॉइंटिंग स्टिक. पॉइंटिंग स्टिक इज अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस. लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में कीबोर्ड के बटन्स या कीज़ के दरमियान में एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको कहते हैं पॉइंटिंग स्टिक. इट इज़ सिमिलर टू अ पेंसिल इरेजर एंड एग्जिस्ट्स बिटवीन कीज़ ऑन द कीबोर्ड. ये कीबोर्ड की कीज़ के दरमियान में एग्जिस्ट करती है इस तरह से. द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स when the यूज़र pushes द पॉइंटिंग स्टिक. जब यूज़र अपनी फिंगर से पॉइंटिंग स्टिक को पुश करता है तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर की या फिर पॉइंटर की पोजिशन कंट्रोल होती है. सो इसलिए ये कह सकते हैं हम के जो पॉइंटिंग स्टिक है वो एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है. इट रिक्वायर्स नो एडिशनल स्पेस
और क्लीनिंग लाइक माउस, इसको कोई एडिशनल स्पेस की ज़रूरत नहीं है. पॉइंटिंग स्टिक इज़ नॉर्मली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर्स. नोटबुक कंप्यूटर्स में ही ज़्यादातर यूज़ होती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में बहुत कम. नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज डिजिटाइजर. ग्राफिक्स टैबलेट. ग्राफिक्स टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट पैड कनेक्टेड टू अ स्टाइलस. स्टाइलस इज अ पेन लाइक इनपुट डिवाइस और पक बाय वायर. अ स्टाइलस इज अ पेन लाइक डिवाइस यूज टू क्रिएट स्केचेस एंड इमेजेस. स्टाइलस के थ्रू आप स्केचेस या फिर इमेजेस को बना सकते हैं. अ पक इज अ कॉपिंग डिवाइस. पक एक कॉपिंग डिवाइस है, यूज टू कॉपी एन इमेज. जो इमेज आप स्केच करते हैं उसको कॉपी करने के काम आती है. पक लुक लाइक अ माउस, ये माउस की तरह ही दिखाई देता है. अ पक इज स्पेशली यूज टू ट्रेस अ ड्राइंग एंड स्टोर इट इन अ कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म. एक ड्राइंग को ट्रेस करके उसको डिजिटल फॉर्म के में कंप्यूटर में स्टोर करने के काम आता है पक. अ डिज़ाइनर कैन प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट ड्राइंग्स यूजिंग ग्राफिक्स टैबलेट. एक डिज़ाइनर जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम जानता है, वो ग्राफिक्स टैबलेट के थ्रू बहुत ही अच्छी एक्यूरेट ड्राइंग्स बना सकता है. ग्राफिक्स टैबलेट आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट मैप्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स. ग्राफिक्स टैबलेट अक्सर जो है ना क्रिएट करते हैं मैप्स को एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को. ग्राफिक टैबलेट, इसमें आप पेन को यूज़ करते हुए, स्टाइलस को यूज़ करते हुए ड्राइंग्स बनाते हैं एंड पक के थ्रू कॉपी करते हैं एंड स्टोर करते हैं कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म के अंदर. द नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस इज लाइट पेन. अ लाइट पेन इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. हैंड हेल्ड, हाथ में पकड़ सकते हैं आप इस पॉइंटिंग डिवाइस को. इट लुक्स लाइक अ पेन, ये एक पेन की तरह दिखाई देता है. इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर टू द कंप्यूटर. ये एक वायर के थ्रू आप देख सकते हैं कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है. द पेन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर व्हेन यूजर टचेस द पेन ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ स्पेशली डिजाइंड स्क्रीन. जब यूजर पेन के डिफरेंट पार्ट्स को टच करता है ऑफ अ स्पेशली डिजाइंड स्क्रीन पे, सो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाती है. लाइट पेन इज यूजली यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स. जो लाइट पेन है वो इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं. ये है जी इमेज ऑफ लाइट पेन. इसके डिफरेंट पार्ट्स को आप जब स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो इंफॉर्मेशन पेन से वायर के थ्रू कंप्यूटर तक जाती है. नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस, जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक. जॉयस्टिक में एक बेस होती है एंड ऊपर एक स्टिक होती है. द स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन. स्टिक को आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप स्टिक को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. अ जॉयस्टिक कैन परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन टू द माउस और ट्रैकबॉल. जॉयस्टिक भी वही काम करती है जो कि ट्रैकबॉल या फिर माउस करते हैं. बट इट इज़ ऑफ्टन कंसिडर्ड लेस कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट. ये लेस कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट समझी जाती है. जो कॉमन यूज़ है जॉयस्टिक का, वो कंप्यूटर गेम्स को खेलने में किया जाता है. द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ अ जॉयस्टिक इज़ फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. यह है जॉयस्टिक. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज अ पेन बेस्ड सिस्टम. पेन बेस्ड सिस्टम्स. पेन बेस्ड सिस्टम इज यूज्ड टू एंटर हैंड राइटिंग्स एंड मार्क्स इन अ कंप्यूटर यूजिंग पेन लाइक डिवाइस. पेन लाइक डिवाइस मीन्स स्टाइलस. जब स्टाइलस का यूज करते हुए हैंड राइटिंग्स को या मार्क्स को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, ये आता है पेन बेस्ड सिस्टम्स में. दिस इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस. ये जो इन पेन लाइक डिवाइसेस को स्टाइलस कहते हैं. द यूजर राइट्स वर्ड्स एंड सिंबल्स ऑन द स्क्रीन. यूजर स्टाइलस की हेल्प से स्क्रीन पे वर्ड्स के सिंबल्स को लिख सकता है. दिस सिस्टम यूजेस हैंड राइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर. यह सिस्टम वो सॉफ्टवेयर यूज करता है जो कि हैंड राइटिंग को रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. द सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स हैंड रिटन करेक्टर्स. जो सॉफ्टवेयर हैं वो हैंड रिटन करेक्टर्स को ट्रांसलेट करते हैं उस फॉर्म के अंदर जो कि कंप्यूटर में स्टोर हो सके और जिसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके. हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैव पेन इनपुट. पेन बेस्ड सिस्टम्स आर कॉमनली यूज्ड टू इनपुट सिग्नेचर्स एंड मैसेजेस दैट आर स्टोर्ड एज इमेजेस. वो मैसेजेस, वो सिग्नेचर्स जो इमेजेस की फॉर्म में कंप्यूटर पर स्टोर होने होते हैं, पेन बेस्ड सिस्टम्स उनको एंटर करने के लिए यूज होते हैं. ये एग्जाम्पल्स हैं, इमेजेस हैं, ये स्टाइलस एंड सिग्नेचर कैप्चर पैड ये सिग्नेचर्स को कैप्चर करता है. ये था लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2. नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 3, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, जो कि इनपुट डिवाइसेस की थर्ड टाइप है, उसको पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.